काम मांगने आए। मैं तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता हूँ और तू इन्हें जमीन बेच रहा है। क्या कर रहे हो तुम? ए कौन है तू? मैं कौन हूँ? क्या कर रहे हो? पूछने वाली कौन है? सब के सब यहाँ से निकल जाओ। सभी कौन उपाय करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? सुदर्शन जी से मिलकर आता हूँ। जाओ। गुस्से में लड़के ने बेरहमी से उसको मारा। अब वो लोग मुझे मारते तो वो शांत रहता क्या चाचा? पता नहीं वो लोग कौन है, मुझे बहुत डर लग रहा है। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं होगा। देखो मैं रात में अपने बेटे से बात करूंगा। कल सुबह तुम डायरेक्ट SP ऑफिस जाना, बाकी का वो सब देख लेगा। आपकी कंप्लेंट सही हुई तो 24 घंटे में कार्रवाई होगी। ठीक है। आओ। यस सर। ये क्या है देखो? ठीक है सर। नमस्ते सर। नमस्ते बाबा। नमस्ते सर। पापा ने मुझे सब कुछ बताया, आप लोग आइए। चलो आओ। बैठिए। वो लोग कौन थे मुझे कुछ नहीं पता। उसे देख के मुझे ठीक नहीं लग रहा था, सोचा इसके साथ कुछ गलत ना हो जाए। जरा रुकिए, आप घबराइए मत, मैंने उन्हें बुलाया है। वेट करो सर, जयकांत आया है। हाँ, बुलाओ। ठीक है। सीधा खड़ा नहीं रह सकता, चश्मा उतार, बटन लगा, सुना नहीं? ए, इसके कान से सब उतार। सर। लड़कियों की तरह सज धज के आया है। तेरा गांव कौन सा है? काशीपुर। उससे पहले कहाँ था? सीतापुर। वहां के इंस्पेक्टर से कहके तुझे मरवा देना चाहिए था, छोड़ दिया। तूने वहां जान की भीख मांगते हुए लिख कर दिया था ना कि अब कभी गलती नहीं करूंगा। यहाँ आकर अपनी औकात दिखा दी। मेरा नाम क्या पता है? हाँ पता है। मैं अच्छा इंसान हूँ, लेकिन तुम जैसों के लिए नहीं। और क्या पता है? बक्सर और काशीपुर में आपने 9 एनकाउंटर किया है। वो ऑफिशियल है, ये पता है। अनऑफिशियल कितना किया पता है ना? अगर कोई जनता को परेशान करता है तो मैं ऊपर वालों की परमिशन का इंतजार नहीं करता, सीधा ठोक कर चला जाता हूँ। दोबारा ऐसी गलती मत करना। आज के नौजवान जिंदगी संवारने के लिए मेहनत कर रहे हैं और तू उन्हें भटका रहा है। बेचारे ये भले लोग
उस बूढ़े आदमी से जमीन लेकर विंड मिल शुरू करना चाहते हैं, तो तुम्हें इसमें क्या परेशानी भाई? फंक्शन कब है? 19 तारीख। कितने बजे? 10:30 से 12। हाँ, 19 तारीख को 10:30 बजे विंड मिल चालू होगी। तूने जो भी नुकसान किया उसे पूरा करके दे। विंड मिल शुरू होने तक अगर इनको कोई भी जान का नुकसान हुआ तो तू करे या कोई और करे, 12:30 बजे तू जिंदा नहीं बचेगा। चल जा, भूलना मत, 19 तारीख 12:30 बजे। आपके आशीर्वाद से हमारे परिवार में खुशियां आने वाली है। मैं बहुत खुश हूँ। बच्चों पे आशीर्वाद बनाए रखिएगा। अंदर आओ। उन पैसों को लेकर अभी कहाँ जा रहे हो? क्या पापा, पैसे ले जाकर बैंक में देंगे तो लोन मिलेगा और गवर्नमेंट सब्सिडी मिलेगी तो विंड मिल शुरू करेंगे। ये गवर्नमेंट गरीबों को देती है, अब इन पैसों के सहारे रामनाथ की फैमिली आगे बढ़े तो हमारे पूर्वजों को तकलीफ होगी बेटा। उसके लिए पापा का अच्छा वक्त शुरू हुआ इसलिए घर में 1 करोड़ आया है, अब मेरा अच्छा वक्त शुरू हो गया। जय सिंह अंदर है, ये बात किसी को मत बताना। जय सिंह बहुत स्ट्रांग हो गया है। हम लोग कार लेकर सीधा शहर जाते हैं, जिमखाना क्लब जाकर जय सिंह को पैसे लगाकर पैसे जीतते हैं। 10 करोड़ रुपए मिलेगा, पैसे आते ही 5 मिल शुरू कर देंगे। तेरी माँ को बता देंगे कि सब कुछ तेरी वजह से हुआ है ना? वैसे भी मुझे क्या जरूरत है ना? माँ, ए, 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 क्या बेटा? बैंक जाना है, लेट हो रहा है कमलेश। रश्मि, बैंक के लिए निकलूँ क्या? आराम से जाना बेटा, मैं बहुत खुश। सारा काम ठीक से देख लेना। ठीक है जीजा जी, ट्रेवल्स वाले ने कार भेज दी। चलो कमलेश, टाइम हो गया, कमाई की चीज वापस लेने की सोच रहा हूँ लेकिन ये छोड़ ही नहीं रहा। चलता हूँ, चलता हूँ। माँ आता हूँ मैं। हाँ बेटा, अंदर चलिए, आराम से चल। ड्राइवर साहब, आपका नाम क्या है? चिंतामणि। अरे चेहरा घुमा के भी तो बता सकते हो। चिंतामणि। अरे बाप रे, तुम इतने काले कैसे हो? मेरा बाप काला था तो मैं भी काला हुआ। आप तो खुश नसीब हो। हा? मुझे काले लोग बहुत पसंद है। अच्छा? मैं बचपन में माँ से झगड़ा करता था कि मुझे काला क्यों नहीं पैदा किया। ऐसा क्या? गाड़ी निकालो। ठीक है सेठ जी। अरे भाई क्या हुआ? सर जी, रेडिएटर में पानी नहीं डाला था। अरे घर पे बताया होता, 1 घंटा पानी दे देता। माफ कर दीजिए भाई, आप लोग बैठिए, मैं सामने जाकर नदी से पानी लेकर आता हूँ। घर का काम तो कभी नहीं करता। ये कैसे हो गया? गाड़ी निकालने से पहले मैंने सब कुछ चेक किया था, इसे चेक करना कैसे भूल गया? अभी तक आया क्यों नहीं? लेट हो रहा है, कहाँ चला गया ये? मैं देखिए, अभी साथ में आऊँ? रुकिए ना पापा, पैसे रखे हैं। ठीक है, याद रखिए। छोटू तो उतर गया, वो बुड्ढा अब तक क्यों नहीं उतरा? बुड्ढा भी उतर गया। पापा, कार से बाहर क्यों आ गए? कार में पैसे रखे हैं। मैंने कार की चाबी जेब में रखी है। ये ड्राइवर कहाँ चला गया? पानी लेने गया था ना? पता नहीं पापा। अरे वो शहर का लड़का है, तैरना नहीं आता होगा, कहीं फिसल के अंदर तो नहीं चला गया? जरा पानी में देख दो। ढूंढ कर देख लिया पापा, वो कहीं नहीं है। तो कहाँ चला गया वो? कार, पापा। अरे ड्राइवर, हम लोगों को छोड़ के जा रहा है। अभी तक हम लोग गाड़ी में नहीं बैठे, हमको लिए बिना कहाँ जा रहा है? गाड़ी रुक बेटा। पैसा गाड़ी में रखा है, बोला था ना। अरे वो चाबी तो मेरे पास है। गाड़ी तो रोक, गाड़ी रोक।